ये तस्वीरें डराती हैं। ये तस्वीरों को देखकर किसी का दिल रो पड़ेगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना गंभीर है। एक के ऊपर एक लदे लोग ट्रेन के डिब्बे में हैं। यात्रियों को बचाने की कोशिश करते लोग, कुछ खुशकिस्मत थे कि बच गए, वहीं कुछ के घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। हादसे की एक के बाद एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई डिब्बों के बीच फंस गया है तो कोई ट्रेन के नीचे आ गया। चारों तरफ चीख पुकार ही सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं, जब बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हो गई। अचानक ट्रेन की 12 बोगियां पटरी के नीचे उतर गई और सवारियों से भरी ये चार डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार थे। हादसे में अब तक 9 लोगों ने जान गंवा दी है, वहीं 35 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे पटरियों से उतरे तो शोर चीख पुकार में तब्दील हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस और एनडीआरएफ की टीम आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, वहीं घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया। मौके का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, हादसे की जांच शुरू हो गई है, पीएम मोदी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और मैं उनके सतत संपर्क में हूँ। मैं घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। देश में ट्रेन हादसे होते रहे हैं और ये एक कड़वा सच है। ऐसे हादसों से आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मुआवजा थमा देता है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घायलों का इलाज अस्पतालों में जारी है। राजधानी दिल्ली की गाजीपुर मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक संदिग्ध बैग देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पूरी मंडी को खाली करवाया गया। मौके पर पहुंची एनएसजी टीम और बम स्क्वाड की जांच में पता चला कि ये एक आईईडी था। इसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने खुद की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैग के अंदर विस्फोटक और आईईडी लगाया गया था। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने आईएनएस को बताया कि शहर के गाजीपुर फूल बाजार में एक लवारिस बैग पड़े होने के बारे में सुबह करीब 10:30 बजे कॉल आई, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद बम स्क्वाड की मदद से गाजीपुर सब्जी मंडी के पास ही एक खाली मैदान में गड्ढा खोदकर कंट्रोल ब्लास्ट के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। देश कुछ ही दिनों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन उससे पहले गाजीपुर में आईआईटी मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच स्पेशल सेल ने एक्सप्लोजिव एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चुनावी शंखनाद के साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी खेमे में ऐसी खलबली मचेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। विधायक से लेकर मंत्रियों तक के बीजेपी छोड़ने की होड़ सी लगी हुई है। एक के बाद एक कई विधायक और मंत्रियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए नया पाला तलाशने लगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आखिरकार अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने सपा का दामन थामा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद के तेवर काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने सीएम योगी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि 2017 के चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य और उनमें से सीएम बनाने की बात तय हुई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछाल कर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से इसका इलाज उतारने की कोशिश की गई। इसका इलाज यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा इसका इलाज गोरखपुर से ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया।
साथ ही सीएम योगी के 80 बनाम 20 के समीकरण के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया समीकरण इजाद कर यूपी की लड़ाई को 85 बनाम 15 बता दिया। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी पार्टी में चल रही फूट से पूरा विपक्ष खास तौर पर समाजवादी पार्टी काफी आनंद ले रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायकों के सपा में शामिल होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में लगातार विकेट गिर रहे हैं और बाबा से कैच छूट गया। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को, जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। यूपी में जब से विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है तब से प्रदेश में राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई दलित चेहरों का बीजेपी छोड़कर जाना सीएम योगी के लिए निश्चित तौर पर काफी बड़ा झटका है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आलाकमान और सीएम योगी इस नुकसान का डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर अब विकराल रूप लेती नजर आ रही है। देश में बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए मामलों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ा रखी है। दिल्ली मुंबई समेत तमाम शहरों के आम लोगों के साथ नेताओं को भी कोरोना की तीसरी लहर अपना शिकार बना रही है। देश में कोरोना के रोजाना मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच दिल्ली ने उम्मीद जताई है कि राजधानी में आज 25,000 से कम कोरोना केसेस सामने आ सकते हैं। गौरतलब हो कि बीते दिन दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। कल दिल्ली में 28,867 पॉजिटिव केस आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 29.21%, 31 डेथ थी, 2,424 बेड्स ऑक्यूपाइड थे और 13,000 से ज़्यादा बेड खाली थे, मतलब 85% से ज़्यादा बेड खाली हैं और 15% बेड ऑक्यूपाइड थे दिल्ली के अंदर। और आज शाम को जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 25,000 से कुछ कम केस आने के चांस हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों का हौसला बढ़ाते हुए चिंता नहीं करने की बात कही, लेकिन साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को पालन करने की नसीहत भी दी। मामले काफी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा, बहुत इन्फेक्शियस वायरस है और पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 29 क्रॉस कर चुका है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज़्यादा लो हैं, डेथ्स काफ़ी लो हैं, तो लोगों को चिंता की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जारी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल काफी महंगी साबित हो सकती है। में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी कि कुछ ही दिनों में चुनाव है और सबसे ज्यादा चर्चा में जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश में अगर सपा और बीजेपी आमने सामने हैं तो पंजाब में दिल्ली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भरपूर जोर लगा रही है और हर तरह के दांव पेच चला रही है।
मुफ्त बिजली से लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर केजरीवाल ने इस बार पंजाब चुनाव के रण में अपना पांव रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पंजाब में। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि भगवंत मान सिंह इस समय आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उभर कर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम अनाउंस नहीं किया गया और अब उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये बोलते हुए एक नया दांव खेला है कि इस बार सीएम का चेहरा चार दीवारी के अंदर नहीं तय किया जा सकता। मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। सीएम पद का चेहरा घोषित करने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब के वोटर्स की राय लेगी और इसके लिए पार्टी ने मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी, उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल दरअसल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं और जब उन्होंने बुधवार को पंजाब पहुंचने के बाद कहा कि एक हफ्ते के अंदर सीएम के चेहरे से पर्दा हटाया जाएगा, मानो ऐसा लगा कि भगवंत मान का नाम फाइनल हो चुका है। तो क्या इस नए दांव से भगवंत मान सिंह का सीएम चेहरा बनने की उम्मीद कम हो जाएगी? ऐसा तो अब जनता की राय के बाद ही पता चलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.